हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नॉन मॉड्यूलर किचन टूर। हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना हम नहीं पसंद करते हैं, तो मिनिमम बजट में अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, आज मैं कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किचन की एंट्री कुछ इस तरीके से है। अंदर आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म स्लैब पर गैस स्टोव रखा हुआ है और बाजू की जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली रखी हुई है ताकि खाना बनाने के टाइम बिल्कुल दिक्कत ना रहे। उसके आगे देखिए, यहाँ पर कॉर्नर में मैंने मटका रखा हुआ है स्टैंड के ऊपर, क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो मटके का पानी बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाजू में छोटा सा मनी प्लांट रखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइजर को कुछ इस तरीके से रख के नीचे टी और शुगर का कंटेनर रखा है और ऊपर चाय के दो कप रख दिए हैं, तो छोटी सी स्पेस में भी सारा सामान अच्छे से आ गया है। उसके बाजू में जेट प्लांट है और नेक्स्ट इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसमें मसालादानी, नमक का कंटेनर, ऑयल कंटेनर और घी का कंटेनर और ये स्पून और नाइफ्स के ऑर्गेनाइज़र है वो यहाँ पर मैंने रख दिया है। बेसिकली जो भी खाना बनाने के टाइम हमें सारी चीज़ें चाहिए इस ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से आ गई है फिट। बाकी का जो स्लेब है वो बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है और कॉर्नर में यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिन है। यहाँ पर मैंने घर पर ही ये DIY बना लिया था ताकि जो भी स्क्रबर हम यूज़ करते हैं बर्तन मांजने के लिए वो बिल्कुल भी ड्राई रहे, बिल्कुल भी पानी ना रहे, तो पानी की बोतल से मैंने बनाया था ये। तो अब मैंने अपने काउंटर टॉप को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है विथ मिनिमम थिंग्स और यहाँ पर मैंने नैपकिन भी रख दिया है ताकि बर्तन करने के बाद हाथ पोछने में दिक्कत ना आए। तो मुझे थोड़ा सा स्पेशियस काउंटर टॉप पसंद है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने नहीं रखी हुई है ताकि थोड़ा सा कंजेस्टेड भी ना लगे और देखने में भी अच्छा लगे और स्पेशियस भी लगे और हमें क्लीन करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी अगर जितना कम सामान होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ, तो नीचे बिल्कुल भी कोई शेल्स नहीं दी गई है, कोई भी पार्टीशन नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास एक चार शेल्फ वाली रेक पड़ी हुई थी, तो उसमें सबसे पहला जो शेल्फ है उसमें मैंने जो रोज़ यूज़ होती है हम खाने में डिश यूज़ करते हैं वो मैंने वहाँ पर ऊपर की तरफ रख दिया है। उसके बाजू में जो हम सलाद सर्व करते हैं वो प्लेटर रखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी छोटे बड़े बाउल होते हैं सब्जी काटने के लिए हम यूज़ करते हैं, चीज़ें रखने के लिए वो। उसके बाजू में पतीले जो अलग अलग साइज़ के मेरे पास है वो यहाँ पर एक के अंदर एक करके रखा हुआ है ताकि कम स्पेस में सारे आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर छोटी बड़ी कढ़ाई है, चाय का बर्तन है और नीचे सबसे प्रेशर कुकर और कैसरोल, तो सारा डेली यूज़ वाला सामान इसमें आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक की ये तीन शेल्फ वाली रेक भी थी, तो सबसे पहले ऊपर छोटे बड़े जो स्पैचुला है वो रखा हुआ है, उसके नीचे सारी छलनी वो यूज़ करते वो, और सबसे लास्ट में जो कम यूज़ होता है जैसे कि ये वेजिटेबल बॉयल करने के लिए है, चॉपर है और सेव बनाने के लिए संचा आता है, तो वो सब मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो देखिए सारा सामान डेली यूज़ होता है वो इसमें आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो बास्केट है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं चाय की पत्ती वो सब मैंने इस बास्केट में रखा हुआ है। ऊपर वाले कंटेनर में पापड़ रखा हुआ है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो जो भी घी मैंने प्लास्टिक के बॉटल में इकट्ठा करके रखा हुआ है वो रखा हुआ है और नॉनस्टिक और जो भी हम रोटी बनाते हैं वो तवा मैंने वहाँ पर ऐसे रख दिया है। आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पर गैस की बोतल है और उसके आगे देखिए यहाँ पर प्लास्टिक के डिब्बे हैं जिसमें मैंने आटा रखा हुआ है, एक में दरदरा पिसा हुआ, एक में रोटी का आटा, तो वो मैंने वहीं पर रख दिया है। आगे की तरफ स्टील के जो मेरे पास बड़े डिब्बे हैं जिसमें चीनी है, बहुत कुछ सामान है जैसे चावल है, वो आगे की तरफ है। पीछे की तरफ छोटे छोटे स्टील के डिब्बे रखे हैं जिसमें कुछ स्नैक्स है। उससे आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लास्टिक कंटेनर है जिसमें थोड़ा सा स्नैक्स और दाल रहता है, वो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दिया है एक के ऊपर एक। और पीछे जो पूरे साल के लिए वेफर्स बनाई थी वो सब इस तरीके के प्लास्टिक के डिब्बे में मैंने पीछे की तरफ रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर मेरे पास कांच की बड़ी और छोटी जार थी। बड़ी जार में पूरे साल के लिए इस्तेमाल होने वाले मसाले थे और जो छोटी जार थी जिसमें तेल, अचार और हींग जैसी चीज़ें थी वो मैंने ऊपर की तरफ रख दिया।
कांच की जार को जो बाउल होते हैं उससे ढक दिया है ताकि उसका ढक्कन भी खराब नहीं होगा, साथ ही साथ बाउल को कहाँ रखना है वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो एक के साथ कम स्पेस में दो काम हो गया। तो इस तरीके से कुछ मैंने नीचे के पोर्शन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैंने एक बॉक्स में रख के स्टोर रूम में रख दिया है। यहाँ पर जो भी डेली सामान यूज होता है वही मैंने अभी फिलहाल के लिए रखा है, क्योंकि कम स्पेस होने की वजह से अगर बहुत सारा सामान रखेंगे तो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा, उसे मेंटेन करना भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है और साफ़ करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बेसिन के नीचे जो जगह है ना वहाँ पर आलू और प्याज को मैंने इस तरीके से रेक में रखा हुआ है। पास में एक्स्ट्रा बॉटल है और इस बार इस साइड को ब्लेंडर रखा हुआ है जो हम डेली दाल या तो छाछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत ही कम स्पेस में भी डेली यूज़ होने वाला सारा सामान बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पे हमने रखा हुआ है फ्रीज। हमारे पास है सैमसंग कंपनी का सिंगल डोर फ्रीज, ये हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप भी अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को, छोटे से किचन को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदेंगे तभी आपका किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। आप अपने किचन को बहुत ही मिनिमम बजट में और मिनिमम चीज़ों के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसे साफ़ करना, मेंटेन करना भी बहुत आसान रहेगा। आपको मेरे किचन में सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।